चलो ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यार और बहुत आसान है। मैं पूरा इसको पढ़ा दूंगा तुम्हें यूट्यूब पे। और यार मतलब बहुत कम लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यार थोड़ा सपोर्ट किया करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर आयन। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयन है, तो उस एटम्स और आयन के लिए कौन से पैरामीटर सेम होंगे? क्या देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन है तो हमें पैरामीटर्स कंपेयर करना है। क्या सभी का रेडियस सेम होता है? क्या सभी का इलेक्ट्रॉन सेम होता है? ऑल हाइड्रोजन लाइक आयन ग्राउंड स्टेट, देयर ग्राउंड स्टेट। चलो अब देखो, ग्राउंड स्टेट कब होता है? एन इज इक्वल टू वन के लिए होता है ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम आयन के लिए अगर मैं रेडियस का एक्सप्रेशन लिखूँ तो आर इज इक्वल टू आर नॉट और ये आ जाएगा एन स्क्वायर अपन जेड या 0.529 एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये वाली चीज़ है प्यारे बच्चों, और रेडियस इतनी है और स्पीड जो होती है वी नॉट, यहाँ से एन अपन स्पीड जो होती है वो भी, यहाँ से याद कर लो इसको, वी अपन एन। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है 2.18 × 10^6 जेड अपन एन, ये स्पीड होती है। एनर्जी जो होती है एंथ ऑर्बिट में -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। तो ये जो है एनर्जी। अब तुम देखो हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट के लिए सबकी एन की वैल्यू वन रख दो, तो सबकी अगर एन की वैल्यू वन रख दोगे तो तुम ये देखोगे कि ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ग्राउंड स्टेट के लिए जेड जैसे जैसे चेंज होगा, जेड अगर चेंज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस, स्पीड और एनर्जी ये सारे चेंज हो जाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि सब जेड पे डिपेंडेंट है यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के जो आयन है अगर ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट सबकी रेडियस अलग होगी, सबकी स्पीड अलग होगी उस इलेक्ट्रॉन की, और सबकी एनर्जी अलग होगी। लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन होगा, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर और वो होता है एन एच अपान 2π। अगर ग्राउंड स्टेट लोगे तो एच इक्वल टू एच अपॉन 2π जो कि एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उन सभी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लोगे, या यूं कहो ग्राउंड स्टेट भी नहीं लेते हो और कोई स्टेट लेते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो हर ऑर्बिट का हाइड्रोजन लाइक एटम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट आ रहा है ना। ये चीज़ कॉमन है यार सभी हाइड्रोजन लाइक एटम में, सभी सभी हाइड्रोज केवल हाइड्रोजन लाइक एटम में ये चीज़ कॉमन है, सभी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, सेम है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। इन ए लेजर ट्यूब